एक गली में 5 नंबर में, गली के अंदर में लड़की भागी और दोनों नीचे में ही मार रहा था। हाँ बस गली के अंदर ही संभाल लीजिए, इसी में सारा सीन काम। कितने बजे का ये खेल है? ये 7 बजे का। 7 बजे और उस वक्त बिल्डिंग के लोग कोई नीचे नहीं उतरे थे? नहीं नहीं कोई नहीं, कोई ऐसा कोई देखते कोई नीचे उतरेगा, डर से ऊपर से कोई उसको छोड़ दो कर रहा था बस, और उसको कुछ भगाने का भी कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं। और लड़की यहाँ पर बेसुध पड़ी रही? हाँ उसमें दर्ज है यही गली में जितना कांड हुआ था। और वो लड़की निकल गई जब आप उतना? नहीं नहीं वो लड़की मतलब पुलिस से आके गए, वो तो एक टैक्सी में बैठा के लेके चला गया। हुआ शादी होने के बाद लड़की को बहुत टॉर्चरिंग करते रहता था उसका, पहले उसका फैमिली वाले लोग भी उसके संग में सपोर्ट नहीं करता था, लड़का का सपोर्ट में हमेशा रहा, उसकी दोनों बहन भाई बाप सब भी ठीक है। अभी कुछ दिन पहले भगनी डिसाइड की जो उसको हमको संग नहीं रहना है, हमको अपना खुला लेना है, ये अपना वन साइड करके अपना पूरा खुला का पूरा इंतजाम करके खुला हो चुका, वो पेपर भी हम लोगों के पास है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ आज एक हफ्ते के बाद पता चल रहा है कि आज अचानक उसको कहीं बुलाया कैफ़े में बात करने के लिए, या कैफ़े में आया किसी तरह से आया, हम लोग को अभी तक कुछ डिटेल नहीं मालूम है। वो आने के बाद कैफ़े के अंदर क्या हुआ कैफ़े वाला ही बता पाएगा। उसके बाद कुछ आदमी से पता चला हम लोगों को, वो भागते हुए बाहर निकली, उसको एक चापल चलाया, दो भाई मिलकर उनको बचाने का कोशिश किया, तब भी जो हालत में मारा है कि ये सर पूरा मगज का हिस्सा पूरा फाड़ा है, पीठ का हिस्सा फाड़ा है और कान पूरा काट के निकाल दिया है, वो मेरे ख्याल से स्पॉट डेड ही कर गए होगी आदमी। तब भी यहाँ पर जो हेल्प करने वाला है यहाँ का आदमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जो भाई कम से कम भीड़ के अदा किया हेल्प किया। और इस तरह सबको जोड़ना चाहिए, किसी का बेटी हो किसी का बहन हो कोई रास्ते में मार रहा है तो जाते वक्त देख के चले जाना चाहिए, समाज के हिसाब से रुकना चाहिए, फाइट करना चाहिए, जो मेरे भाई किए हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है।